देखो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव शीट का क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग ईएम वेव रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बात को समझ लो, इन क्वेश्चंस को रट्टे मार के कोई फायदा नहीं जब तक आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर नहीं पता होगा, जिसकी बड़ी फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, याद कर लो, कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी को याद कर लो। समझ में आ रहा है? देख लो, आपको देखने का फायदा नहीं है ऐसे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, फिर ब्लू की होती है, फिर येलो की होती है और रेडियो वेव की होती है, इसलिए एनर्जी का ये सीक्वेंस आपको कि कैसे होती है वो टेबल याद कर लेना। होगी एक्सप्लेनेशन? ब्लू कलर की, ब्लू कलर का पैटर्न, येलो ब्लू रेड विबग्योर का पैटर्न की फ्रीक्वेंसी याद करनी पड़ेगी ना। मेन्स ने डाला था ये क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवर नेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, याद कर लो इसे, गिविंग रोटेशनल एनर्जी टू वाटर मॉलिक्यूल्स। बहुत लोग गलत करके आए थे और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी थी सच बताऊं, क्योंकि ऐसा लगता था ट्रांसलेशन एनर्जी भी तो होती है, मॉलिक्यूल मूव भी तो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वाइब्रेशन भी तो करते होंगे। चलो वाइब्रेशन तो बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं भी करते होंगे, ट्रांसलेट तो करते हैं, पर इसका आंसर जब चेक किया गया तो कहीं पे रोटेशन एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल था, तो यही आंसर है। ऐसे याद करो, सबसे गंदे क्वेश्चन थ्योरी के। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर शीट का नंबर क्या है? नहीं मैंने अभी दी है, अभी आपको सेंड करूंगा, नंबर नहीं है इसका। ओके सर, ओके सर। अभी देखो ये ईएम वेव का की इक्वेशंस है, कुछ नहीं गिवन, कह रहा है बस ई की इक्वेशन है, वी बी की इक्वेशन है, वेव प्रोपगेशन है, मार्क कर दो क्या करेक्ट है। कर लिया, कैसे पता लगा आपको क्या करेक्ट ऑप्शन है? एक तो बात पक्की है, वेव प्रोपगेशन ई और बी आपस में 90 डिग्री पे होंगे, सही। चलो शुरू करते हैं। वेव प्रोपगेशन वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी का मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में लिखना। तो वेव प्रोपगेशन क्योंकि y में है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर x कैसे आएगा, यहाँ तो y आना चाहिए, ओमेगा t माइनस की x की जगह ओमेगा t माइनस के y आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, वेव प्रोपगेशन y में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, x में है, नहीं हो सकता। वेव प्रोपगेशन x में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, y और z में है, नहीं हो सकता। वेव प्रोपगेशन x में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, हो सकता है। चलो ठीक हो गया, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया सही। नेक्स्ट, एलईडी एमिट्स लाइट एट, पावर गिवन है, ये वही क्वेश्चन है जो आज करवाया था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर बाय एरिया, करवाया था ना आज वही, 1 मीटर वो स्फीयर बन जाता है, 4π3² 4π1² सेम क्वेश्चन रिपीट है। तो ये मेन वालों डाल दिया, एसएल वाला जो बेसिक क्वेश्चन था, तो रिपीट क्वेश्चन है, पावर वाला सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट चेक करो, ये करेक्शन कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस गिवन है, तो ईएम वेव कहां मूव कर रही है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एम्पलीट्यूड ई नॉट गिवन है, तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो एक बात तो पक्की है, E नॉट बाय B नॉट तो C है, तो B नॉट की वैल्यू E नॉट बाय C है, तो E नॉट बाय C में या तो ये आंसर आएगा या ये, या मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तीनों में से आए, रिपीट सी कर रही है वैल्यू, किया नहीं मैंने सॉल्व, मुझे लग रहा है ऐसा ही है क्या, नहीं B नॉट का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही आएगा ना, चारों ही नहीं है, चारों ही नहीं है, सही कह रहा है, क्यों नहीं है चारों, क्योंकि ई नॉट का मैग्नीट्यूड ही नहीं गिवन। ई नॉट का मैग्नीट्यूड गिवन होगा तब तो बी नॉट निकलेगा, तो क्वेश्चन ही गलत है, मेंस वालों ने क्वेश्चन गलत डाला था उस साल, तो ग्रेस मार्क्स मिले थे इसके, ये वैल्यू मिसिंग थी इसकी। चलो बात ही खत्म हो गई, क्वेश्चन हो नहीं सकता। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट और मेंस का जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब बनता है इसको आना, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बस यह है कि अगर आपको पता हो क्या करना है।
गलती होने का बहुत चांस है इस क्वेश्चन का। देखो बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं भी ये सोच रहा था कि आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज गिवन है, डायरेक्शंस गिवन है, वेव प्रोपगेशन जेड में गिवन है। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की क्या वैल्यूज करेक्ट हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक 90 डिग्री पे होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। पहले ऑप्शन का जीरो आ रहा है, चेक करो। दूसरे ऑप्शन का -6 + 6, ले दूसरे का भी जीरो आ रहा है, होगी कंफ्यूजन ए और बी में। इसका देखें नहीं आ रहा, इसका इसका भी जीरो आ रहा है। लो जी तीन का जीरो आ रहा है, अब क्या मार्क करें, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वेव प्रोपगेशन जो होती है वो ई क्रॉस बी होती है। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, इसका और इसका, अगर आंसर क्या आता है के, वो आंसर सही है। तो इसको चेक, डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो आ रहा है तो हो सकता है आंसर। क्रॉस भी लें क्योंकि वेव प्रोपगेशन ई क्रॉस बी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जिसका के आ रहा है वो आंसर है। अब क्रॉस से चेक होगा,